अज हलका राजपुरा दे विच विधायका मैडम नीना मित्तल दे वल्लों मोहल्ला क्लीनिक बनूड़ कस्बे दे विच खोल के लोकां नूं इक होर ग्रंटी पूरी करके सौगात दित्ती गई है। इस मौके गलबात करदिआं विधायका मैडम नीना मित्तल ने कहा कि पंजाब सरकार ने जो वादे किते सन ओह पूरे करन दे विच वचनबद्ध है अते इक होर ग्रंटी जिहड़ी लोकां नूं दित्ती गई सी ओह अज आजादी दे दिवस ते पूरी कर दित्ती गई है। इस मौके उन्हां कहा कि आम लोकां दी सरकार है ते आम लोकां दे लई ही इलाज जिहड़े मोहल्ला क्लीनिकां दे विच मुफ्त होणगे अते टेस्ट भी मुफ्त किते जाणगे। आओ तुहानूं सुणाउंदे आं होर की कुछ कहना सी विधायका मैडम नीना मित्तल दा उन्हां दे जबानी। अज मैं अपने राजपुरा हलके दे वासियां नूं पहलां तां आजादी दीआं बधाईआं दे रही हां, आजादी दिवस दीआं, ते नाल ही मुबारकां दिंदी हां कि जो असीं वादा कीता सी मोहल्ला क्लीनिक दा अज इत्थे बनूड़ शहर तों शुरुआत हो रही है। राजपुरा हलके विच होर भी बहुत मोहल्ला क्लीनिक खुलणगे। लोकां दी सरकार है, लोकां ने आपदी सरकार बनाई सी ते अज पब्लिक लई ही उन्हां दी आपदी सरकार ने लोकां दी सहूलतां लई अज इत्थे मोहल्ला क्लीनिक शुरुआत कीता है, जिथे तुहानूं डॉक्टर मिलणगे। फिर उस तो बाद जे टेस्ट है वह भी बिल्कुल फ्री होगा, जे मेडिसिन चाहिए है वह भी बिल्कुल फ्री होगी। मतलब लोगों को यह फील होगा कि यह तो सारा कुछ अपना ही है, जिथे कि बहुत सारे असं देखते हैं गरीब लोग आपकी बीमारी छुपा लेंगे कि पैसा है नहीं, असं इलाज किमें कराइए। मैं उन्होंने भी यही मैसेज देना चाह रही हूँ भी हूँ थोड़ा अपना मोहल्ला क्लीनिक खुल गया, कोई तकलीफ है डॉक्टर को जरूर आओ, इलाज तो घबराओ ना, ताकि यह ना हो कि अगे आने वाले टाइम साड़ी वही छोटी जी बीमारी बड़ी बन जाए। क्लीनिक खोले जा रहे हैं काफ़ी खुलनगे, अच्छ 75 मोहल्ला क्लीनिक खुल रहे हैं, तो राजपुरा हल्के भी होर खुलनगे, कुछ 30 तरीक न भी खुलनगे, फिर अगे 15 दिन बाद हूँ असी मोहल्ला क्लीनिक खोलते रहेंगे। जिस तरह के पहला भी कई गरंटियां दी सन वो गरंटियां शुरुआत जी हो चुकी है पूरी होंगे जा रही है, अगली कि नवी गरंटी जी देखो बहुत जल्दी दसांगे। एक्टिवर जो बिजली के बिल आए हैं बहुत सारे लोगों के 50% लोगों के जीरो आए हैं, तो हूँ अगले जोड़े बिल आएंगे आई थिंक 80% लोगों के जीरो बिल आएगा, वो भी लोगों को जो गरीब लोग है जिन्हों के 7-7, 8-8 हज़ार रुपया बिजली का बिल आता सो बच गया, जोड़ा बीमारी का खर्चा हों तो वह बचन लग जूगा। एक घर में चलाने लिए जो 7-8-10 हज़ार रुपया बचद है तो वह घर परिवार आम वधिया रोटी खा सकता है। सो आयुष्मान कार्ड में लैके काफ़ी जी दुविधा हैगी जी सुविधा जी बंद कर दी गई इसको लैके पंजाब सरकार की कर रही है, वो बारे भी सोच विचार हो रहा, बहुत जल्दी ही लोगों को जो फैसिलिटी देनी है, पब्लिक की सरकार है, पब्लिक लिए असं हर टाइम तैयार हाँ, जिते कोई पब्लिक को दिक्कत आती है वह सोल्यूशन असं सब जल्दी कढ़ांगे। न्यूज़ 89 पंजाब के लिए राजपुरा तो पत्रकार मोहित कुमार की खास रिपोर्ट।